पनवेल तालुका अंतर्गत सोमटने स्थित कोंकण एजुकेशन माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को वार्षिक शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ जिला परिषद की महिला एवं बाल कल्याण सभापति प्रिया मुकादम को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर पनवेल पंचायत समिति के पूर्व सभापति गजानन माली, स्कूल के चेयरमैन जनार्दन पाटिल, सुरेश ठाकुर, अनंत पाटिल, राजू पाटिल, भातान ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य बबन मुकादम आदि गणमान्य सहित स्कूल के प्रधान अध्यापक, अध्यापक तथा विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को मार्गदर्शन करते हुए प्रिया मुकादम ने कहा कि शिक्षा एवं खेल के बलबूते पर हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं। वही उन्होंने क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर चुने गए खिलाड़ियों को बधाइयां दी। एखाद्या मुलाची अशी अपेक्षा असते की मी कुठल्या तरी भागातून नंबर हा काढीन आणि आज या दोन मुलांनी जिल्हा पातळीवर त्यांना जाण्याची जी संधी भेटली तर मला माझ्याकडून तुम्हाला एक शुभेच्छा आहे की तुम्ही जिल्हा पातळीवर जाऊन नक्कीच राज्य पातळीवर पण जाल अशी मी तुमच्याकडून अपेक्षा करते। आणि सरांनी सांगितले की विवेकानंद साहेब यांचं एक स्वप्न आहे, ते स्वप्न तुम्ही खरोखरच पूर्ण कराल। इस दौरान गजानन माली ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया। कर्णाला स्पोर्ट अकादमीच्या माध्यमातून दरवर्षी काळा क्रीडा यांचा 24 तारखेपासून कार्यक्रम सुरू होणार आहे, त्याची पूर्वतयारी म्हणून दरवर्षी आम्ही मला वाटतं या सोमटणे गावच्या या प्रांगणामध्ये या ठिकाणी वार्षिक क्रीडा संपन्न होत असतो। सोमटणे गावचा जो कबड्डीचा संघ आहे त्याचं नैपुण्य चांगल्या प्रकारे आहे। या शिक्षकांनी या ठिकाणी चांगली मेहनत करून कबड्डीचा संघ चांगल्या पद्धतीने तयार केलेला आहे, त्यामध्ये मुलींचा मुलांचा दोघांचे संघ आहेत। वही इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।